हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम लोग की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम पिछले 10 सालों से संकल्प ट्यूटोरियल्स में पढ़ा रहे बच्चा, और आज हम लोग हिंदी के केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और आज का हमारा लेक्चर भी फर्स्ट है। ठीक है, इसको हम लेक्चर बना लेते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट है। जितने भी लेक्चर इस पे शूट होगा उस पे 1, 2, 3 करके आएगा, वो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा और आप इस चैनल से जुड़िए। और हम गारंटी के साथ करें, इस चैनल से हम आपको 90+ ऊपर मार्क्स ला के छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर की, और फर्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक बात और आपको बता दें कि ये जो चैनल है वो अनअकैडमी से रिलेटेड है। अनअकैडमी से जो आज से लॉन्च हो रही है 10+10 वाले स्टूडेंट के लिए, तो जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं, जो भी हमारे न्यू बच्चे हैं, वो सब जुड़ जाइए बेटा क्लास 10th के लिए। और हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को आप देखकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर हमारा चैप्टर एक्चुअल में है क्या। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। आइए एक्चुअल में इसकी मीनिंग समझते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, क्या पाया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें, बेटा जहां अंडरलाइन कहेंगे वहां अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये ऐसे परिवर्तन जिसमें, आपके पास हाइलाइटर होगा तो हाइलाइटर से भी कर सकते हैं, कि नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर भी होंगे, कुछ नोट्स होगा, आप उनको सजेस्ट करिए, उनको रीड करिए। अपनी प्रॉब्लम होगी तो उसको जरूर सजेस्ट करिएगा, या अगर मेरा वीडियो नहीं समझ में आएगा या कोई डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब दीजिएगा बेटा। और हम आपको बता रहे हैं, इस चैनल से जुड़ के देखिए, आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट्स हम नहीं होने देंगे। ओके, क्या पाया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब नया गुण वाला पदार्थ बनेगा, अभिक्रिया का ही मतलब है। अभिक्रिया यह कहती है कि यदि नया गुण वाला पदार्थ हो रहा है तो उसमें परिवर्तन हुआ है, नए वाले पदार्थ नहीं बन रहे मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं, कागज का जलना। सोचिए आपके पास पेपर है, आग लगा दीजिए, जैसा तुम लोग करते हो। कॉपी किताब पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं, तो रख के आग लगा देते हो या तो कबाड़ी वाले को बेच देते हो, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें उस कागज की, तो कागज का समीकरण लाते हैं, क्योंकि मेरी एक्चुअल मीनिंग है अभिक्रियाएं और समीकरण। और समीकरण का मतलब है कि उस शब्द को तत्वों से निरूपित करना। आपको बता दे बेटा, यदि 1 से 30 तक तत्व आप याद कर लीजिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि हम लोग के आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो अगर आप कम से कम 30 तक तत्व याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो 30 तक तत्व याद करिए, और शब्दों को तत्वों में निरूपित करने की क्रिया को ही समीकरण कहते हैं। तो एक अभिक्रिया हमारे पास हो गई क्या, कागज का जलना। कागज बोले तो कार्बन, हम पहले इसको शब्द समीकरण बनाते हैं ना, शब्द समीकरण, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चों को दो समस्या होती है। सबसे पहली, सर समीकरण बनाने नहीं आता, और दूसरा, सर संतुलित नहीं करने आता। तो बेटा आपकी दोनों समस्याओं को हम यूं दूर कर देंगे। बस स्लोली स्लोली इस चैनल से जुड़े रहिए,
ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपके कमेंट्स को हमेशा चेकआउट करेंगे। अभी वीडियो रिकॉर्डेड चल रही है, आने वाले समय में लाइव चलेगी, तो हम बिल्कुल लाइव बात करेंगे। अगर आपका कोई डाउट्स होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो हम होमवर्क देंगे उसको बेटा प्लीज आप जरूर सॉल्व करिएगा। अगर आप होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपको आएगा। सुना होगा कि मोर देन प्रैक्टिस देन गेट सक्सेस, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सक्सेस के पास आएंगे। ठीक है, तो शब्द समीकरण आते हैं। शब्द समीकरण क्या कह रहा है? कागज, कागज प्लस जलेगा, अपने आप तो जलेगा नहीं, आग लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम यूपी 10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। आग लगाना पड़ेगा मतलब क्या? वायु से क्रिया, वायु से क्रिया। जब भी बात हो वायु से क्रिया तो वायु मतलब ऑक्सीजन, O2 तीर का निशान। अब आग लगाती धुआं निकलेगा, धुआं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर हम लोग क्या देख रहे हैं? तीर के पहले भी कुछ वर्ड हो गए, तीर के बाद भी हो गए। बेटा हम लोग ऐसे खड़े ना, अगर ऐसे देखें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया LHS, ये राइट हैंड साइड है, मतलब ये वाला RHS। एक छोटा सा फंडा बता दे रहे हैं कि LHS और RHS आपस में होने चाहिए इक्वल, और ये इक्वल हैं तभी समीकरण हमारा संतुलित है। तो LHS और RHS, सर एक मन में सवाल और आ रहा है, सर LHS को कहते क्या है? तो बिल्कुल सही सवाल है, LHS को कहते हैं अभिकारक। बोले तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, क्या? अभिकारक। ये बना वह पदार्थ जो अभिक्रिया में बाद में बनता है उसे क्या? उत्पाद। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा तो याद कर लीजिए, इसे कहते हैं रिएक्टेंट और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। और एज लाइक अ इक्वेशन, रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब कि हमेशा जैसा भी फंडा बताया ना कि LHS RHS के बराबर होना चाहिए, मतलब जो अभिकारक हो उसमें जितने तत्व हो उतने ही तत्व किसमें होने चाहिए? उत्पाद में। सर नहीं समझ में आया, इसको रासायनिक समीकरण समझाइए। तो बिल्कुल बेटा रासायनिक समीकरण देखिए क्या कह रहे हैं। अगर रासायनिक समीकरण की बात करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए कागज, कागज बोले, लकड़ी बोले, तो हमेशा प्रेफरेंस करिएगा कार्बन को, तो कागज की जगह हम लिख दिए कार्बन। सर वायु से क्रिया, वायु से क्रिया बोले तो O2। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी बच्चा ये नहीं जानता कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा।
कुछ फॉर्मूले हम लोग को बचपन से याद है, जैसे जल का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला, इतने फॉर्मूले तो हम लोग को याद ही होने चाहिए। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या, CO2। अगर एक चीज समझा जाए, संतुलित समीकरण, सर ये क्या बैलेंस है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं ये समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि LHS टू RHS इक्वल बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों ही आपस में बराबर हो, तो आपस में बराबर होंगे तो बैलेंसिंग आनी चाहिए। कार्बन की संख्या LHS की साइड में कितनी, एक। कार्बन की संख्या RHS की साइड में कितनी, एक, मतलब ये लगभग बराबर है, लगभग क्या पूरा बराबर है। ऑक्सीजन कितना, दो। ऑक्सीजन कितना, दो। अरे क्या देखा कि इधर ये एक है वो भी एक है, इधर दो है ये भी दो है, मतलब दोनों में जो संख्याएं हैं वो दोनों के दोनों बराबर हैं। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको हम यहां दिख लेते हैं, ये यहां। तो ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि हमारा LHS RHS बराबर है। आइए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। आज का हम लोग का पहला वीडियो है, हम इसको समझते हैं, और हमारा जैसा कि चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है समीकरण बनाने में और समीकरण बना के उसको संतुलित करने में। तो अकॉर्डिंग टू मी हम इसको दो भागों में बांट दिए, एक शब्द समीकरण ऐसे है, एक रासायनिक समीकरण जो तत्वों से बनाते हैं ऐसे है, और इन दोनों को मिलाकर संतुलित। अगर आप समीकरण बना रहे संतुलित नहीं है तो सारा किया धरा सब वेस्ट है, क्योंकि समीकरण का एक ही रूल है कि वो होना चाहिए क्या, संतुलित। तो क्या पाया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर कोई अभिक्रिया का नाम बताइए, तो एक अभिक्रिया हम लिख लिए कागज का जलना या लकड़ी का जलना, जो चाहे वो लिख लिए। सर शब्द समीकरण में कैसे डाल दिए कि कागज को जब वायु से क्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। सर रासायनिक समीकरण में कैसे करेंगे, तो कागज मतलब सी, वायु से क्रिया मतलब O2, ये हो गया क्या CO2। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ और अभिक्रियाओं पे हम चर्चा करते हैं, ओके इसको कॉपी करिए, थोड़ा सा हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं। सर एक बात और नहीं समझ में आ रही मुझे, अभिकारक और उत्पाद क्या है। तो बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल मत घबराइए, हम उन्हीं पे आ रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद पे, कि वह पदार्थ जो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, नोट करके लिख लीजिए, नोट ऐसे बनाइए, नोट नंबर 1 लिखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें ही कहते हैं क्या, उन्हें अभिकारक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। शॉर्टकट में याद रखिएगा R, कहते हैं मतलब जो चीज मिलाए। जैसे सोचिए हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाते समय चीनी पानी ये सब मिलाते हैं ना, तो वो सब जो अभिक्रिया में लेते हैं वही होता है हमारा क्या, अभिकारक।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। थोड़ा हाइलाइटर से कर देते, समझ में आया आपको। नोट नंबर टू क्या कह रहे हैं भाई, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया, कोई डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा आपके सारे डाउट्स का हम रिप्लाई करेंगे। क्या कहा गया, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद, क्या प्रोडक्ट, शॉर्टकट क्या आर, समझ में आ रहा है ना, कहते हैं। अब जैसा कि आपको बताएं कि शब्द समीकरण में कागज प्लस वायु से भी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, LHS मतलब रिएक्टेंट, RHS मतलब प्रोडक्ट, अब दोनों आपस में होने चाहिए क्या बराबर। सर यहां तक तो क्लियर है, कुछ और अभिक्रियाओं पे चर्चाएं हो जाएं, बिल्कुल होना चाहिए, इतने से हम लोग को रुकना नहीं है। आइए हम आपको दैनिक जीवन में ले चलते हैं कि आखिर दैनिक जीवन में क्या क्या प्रक्रिया होती है ना। सोचिए आपके हाथ में लोहा है, उसको सर पे मत मारना, ठीक है, अभी बताएंगे क्या करना है लोहे का। आपके हाथ में लोहा है, उस लोहे को छत पे रख दो, दो दिन, चार दिन, दस दिन, मौसम देख रहे हो कैसा है, क्या हो गया भाई, लोहे में जंग लग गया। तो लोहे में जंग लग गया मतलब ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, कक्षा 9 में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया हमारा लोहे में जंग लगना। एक आंख और, बिल्कुल, सुबह से खाना खाया कि नहीं खाया, खाया ना, तो क्या भोजन का पाचन, ये भी एक प्रकार की क्या, रासायनिक अभिक्रिया। सर एक और बता दीजिए, चलो तुम्हारी बात भी रख देते हैं, एक और बता देते हैं, मैग्नीशियम, नाम सुना होगा, सोडियम के बाद आता है, आप लोग क्या करें ना 30 तक कम से कम याद कर लीजिए ना बच्चा, मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, फीते का जलना, देखोगे तो फीते का आकार का होता है, मतलब जैसे एकदम पतला जलना। चलिए है तो बहुत सारे, फिलहाल इन तीन पे चर्चा करते हैं जो आपको सिखाए हैं, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण और बैलेंस, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं जिस चैप्टर के अंदर हैं उसकी सारी मीनिंग आ जाना, और हम गारंटी के साथ करें कि जो भी हमारे बच्चे हैं इस चैनल को देख रहे हैं उनको आज की क्लास की सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे, कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बेटा अगर आपको लगता है कि अगर इसमें सर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और हम जब भी खाली होंगे आपके डाउट्स को जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, यहां तक किसी कोई समस्या है तो बताइए, डाउट्स में जरूर लिखिएगा। आइए हम लोग इन रासायनिक अभिक्रियाओं से पढ़ते हैं समीकरण कैसे आखिर बनाते हैं।
तो सबसे पहला हम ले रहे हैं क्या, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। हम लोग कहां पे थे, लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में जंग लगने की बात करें तो देखिए, लोहे का शब्द समीकरण हमने बनाया था कि लोहा प्लस वायु प्लस जल। अब लोहे में जंग लग गया तो जंग का फॉर्मूला होता है हीमेटाइट, लोहा Fe प्लस O2 प्लस H2O। अगर हम जंग सूत्र की बात करें तो इसको याद कर लीजिए, Fe2O3.2H2O। अब बैलेंस करने के लिए यहां दो लगाया तो यहां भी दो लगा दीजिए, ये दो दुना चार, तो देखिए हमने लगा दिया चार, दो तिहाई छह, तो यहां लगा दिया तीन दुना छह, क्योंकि आपको बताया है कि हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के होने चाहिए क्या, बराबर। उसके बाद तीसरा आपको बताया मैग्नीशियम फीते का जलना। अगर मैग्नीशियम फीते की बात करें तो शब्द समीकरण है कि मैग्नीशियम प्लस वायु से क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस O2, देखिए प्लस O2 और ये हो गया क्या 2MgO, मतलब दोनों चीजें होंगी क्या बराबर। अगर दोनों चीजें बराबर होंगी तभी मान के चलिए हमारा जो समीकरण है वो है संतुलित, अगर चीजें बराबर नहीं होंगी तो वो संतुलित नहीं मानी जाएंगी। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो बेटा पहचानने के पहले हमें करनी होगी क्रिया, उस क्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। देखा होगा भैया लोग लैब में परखनली लेकर कुछ करते रहते हैं, अभी आप लोग छोटे हैं तो आने वाले समय में आपको भी लैब मिलेगा, तो जब लैब मिलेगा तो बेटा परखनली को हाथ से मत पकड़िएगा, क्योंकि कभी कभी अम्ल और छार डालते समय वो परखनली फूट जाती तो हाथ जलने का खतरा रहता है, शरीर पे गिर जाएगी तो छाला पड़ने का खतरा रहता है, तो एक स्टैंड आता है उस स्टैंड से हम लोग पकड़ते हैं। तो देखते हैं कि आखिर प्रेक्षण में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है क्या, अवस्था में परिवर्तन, मतलब अवस्था बदलती है। अगर अवस्था की बात करें तो हम लोगों ने अवस्था पढ़ा है, एक छोटा सा फंडा बता रहे, देखिए अगर हम अवस्था की बात करें तो सबसे पहला यह आता है ठोस, तो जहां भी सॉलिड S लिखा होगा तो समझ जाएगा कि वो ठोस अवस्था है, जैसे आयरन के बगल में हम लिख देते S, तो ये आयरन किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। उसके बाद दूसरे की बात कर रहे हैं द्रव, द्रव बोले तो लिक्विड मतलब L, जल लिक्विड के ही फॉर्म होगा, तो जल के बगल में ऐसे हुआ L, तो वो हो गया क्या लिक्विड। और तीसरा गैस, गैस है तो अब तो समझ गया कि सॉलिड है तो S हो गया, लिक्विड है तो L हो गया, तो सर जरूर गैस है तो G होना चाहिए, तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आप सही जा रहे हो, अब चीजें आपके समझ में आ रही, तो यहां पे आप क्या कर दीजिए G, ये हो गया हमारा क्या गैस। सर एक चीज और देखते हैं एक्यू, बिल्कुल बेटा कभी कभी एक्यू भी लिखा होता है तो याद रखिएगा एक्यू होगा तो वो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए एक्यू लिखा होता है, तो ये जो प्राप्त होता है वो इसी सॉल्यूशन में प्राप्त होता है, तो ये इनकी अवस्थाएं, ये आयरन की अवस्था है, ये ऑक्सीजन की अवस्था है, ये जल की अवस्था है और ये हेमेटाइट सूत्र की अवस्था।
दूसरी चीज याद रखना है रंग में परिवर्तन, कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण प्रेक्षण बोले तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब रंग बदल जाता है। ठीक है, तीसरा तापमान में परिवर्तन, दिख रहा है ना बच्चा, अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। और लास्ट जो अक्सर एग्जामिनर पूछता है आपसे, गैसों का उत्पादन, ये चार प्रेक्षण हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है। अब इन चारों प्रेक्षणों को लिखिए, याद करिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा मुझे, हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये चीजें हो गई होंगी क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आप, नेक्स्ट है हम लोग का रासायनिक समीकरण, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, आप लोग इतना सीख चुके। अगर आपको लगे कि किसी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट दीजिएगा, हम आपके डाउट्स का जरूर वेट करेंगे। कल की जब ये क्लास स्टार्ट होगी तो इसी टॉपिक से स्टार्ट होगी, रासायनिक समीकरण से। ओके, इसके पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दे देते हैं कि आप घर पे आपसे बैलेंस कीजिए, ठीक है ना, संतुलित कीजिए। इस तरह क्या होगा, हम एक छोटा सा चेक कर लेंगे कि आज की पढ़ाई हुई क्लास हमारे बच्चों को समझ में आ रही है। और याद रखिएगा, बैलेंस करते समय समीकरण में कभी भी पीछे मत लगाइएगा, आगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा बच्चा। तीन बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं, उम्मीद करते ये तीनों के तीनों आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास छोड़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें, अगर आपको मेरी क्लास ही अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और दोस्तों से कहिएगा कि जल्दी से जल्दी शुभम क्लासेस से जुड़ जाइए। केमिस्ट्री की आज से नई बैच स्टार्ट हुई है, जो अन अकेडमी सेपरेटेड है उनसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा, और आपके डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम सुनील चौधरी, जैसा कि हम बता चुके हैं, हम संकल्प ट्यूटोरियल्स में पहले पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगे कि कोई सजेशन, कोई डाउट्स या कोई भी ऐसी चीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों, और भी जो नोट्स वगैरह होंगे, जो भी डाउट्स होगी, वो क्वेश्चन होंगे, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हमारे शुभम क्लासेस को वॉच आउट करने के लिए आज के लिए इतना ही, लव यू।